स्वामी उस परिग्रह के लिए हमें बहुत सावधान करते हैं। आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, मंदिर के दर्शन में कहीं परिग्रह साथ लेकर के तो नहीं जाते हैं? बोलो ना, परिग्रह साथ लेके जाते हो क्या? कोई मकान, दुकान, भांड यानी कि बर्तन लेके जाते हो क्या? अंतरंग परिग्रह अपन लेके जाते हैं, और ऐसा परिग्रह है कि जाकर के मैं इतने अभिमान में आ जाता हूँ, मैं बड़ा हूँ, और सीधे सीधे भगवान को ढक कर के खड़ा हो जाते हैं। दूसरे साधु बैठे हैं पीछे, कोई चिंता नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, रे साधु, रे श्रमणी, बस इसी परिग्रह को तो हटाना है, इसी को तो सचेत अवस्था में लाना है, और तू मकान, दुकान, कपड़े, सोना, चांदी, बर्तन, जमीन, जायदाद ये थोड़ी लेकर के घूमेगा। जब तुमने पीछे कमंडल को ले लिया है, अब आप अंतरंग परिग्रह का थोड़ा सा संभाल तो कर लो। कितना दम्भ है हमारे अंदर, अगर सत्यता किसी बड़े साधु ने कह दी तो इतनी सिलवटें माथे पर पड़ गई, चेहरे को इतना विकृत कर लिया, मौन धारण कर लिया। मौन धारण करना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन ढंग से करो ना। ढोंग का मौन तुम्हें मौन भी नहीं रहने देगा, और ढंग का मौन भी ना करोगे और बोलते रहोगे तो मौन का फल अपने आप मिल जाएगा। हित मित्र प्रिय संभाषण मौन की ही एक पर्याय है, और हम कट को कर्कश असत्य बोलें तो ये पाप की ही पर्याय है। हम बोलते हुए भी मौन का फल पाते रहें, खाते हुए उपवासों को अपने पूंजी में डालते रहें। ज्ञानी आत्मा बनिया है, बनता है और दूसरों को भी बनाता है। तुम कैसे बनिया हो, ना खुद बनते हो ना दूसरों को बनाते हो, खुद भी बिगड़ रहे हो और अपने साथ जिसके साथ रहते हो या कोई तुम्हारे साथ रहता है उसको भी बिगाड़ देते हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि पापों का क्षय हो, समापन हो, ये तो सब कहते हैं। पापों का क्षय हो जाए, पाप समाप्त हो जाए, ये तो सब चाहते हैं। आचार्य उमा स्वामी भगवंत कहते हैं कि जो अब्रह्म में पल रहा है, अब्रह्म का तात्पर्य कि आप अपने ब्रह्मचर्य को खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब्रह्म का तात्पर्य है जो अपनी आत्मा का परमार्जन नहीं कर पा रहा, वो भी पाप है। जिस तरह एक बार ब्रह्मचर्य के खंडित होने पर 9 करोड़ जीवों का पाप अपने माथे पर लगता है उस श्रावक के, इसी तरह से अगर हम असावधानी पूर्वक अपनी आत्मा के परिज्ञान से, अपनी आत्मा की निकटता से अति दूर हो जाते हैं तो आप भी पाप के दर्जे में आ सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी भगवान ने कहा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषस्त तद विशेषा। विचार करें कि कैसे परिणाम है मेरे, तीव्र परिणाम है, मंद परिणाम है, ज्ञात में हुआ, अज्ञात में हुआ, हुआ कैसा? जरा इसका ध्यान तो रखें कि जो शक्ति का बंध होगा, जो अनुभाग बंधेगा, वो आपके परिणामों के अनुसार ही बंद दशा को, स्थिति को प्राप्त करेगा। केवल दिखाना
खुश रह करके भागना, पड़ोसी से तो बोलना और घर वालों को गाली सुनाना, ये व्यवहार नहीं है श्रावक का, बिल्कुल नहीं है। श्रावक का व्यवहार है जितना अच्छा आप पड़ोसी के बच्चे से बोल रहे हैं, पड़ोसी के पुत्र वधू से बोल रही हैं, काश अपनी जेठानी से, अपनी दौरानी से, अपनी ननद से, अपनी सासू माँ से अगर तुमने इतना मीठा बोल लिया होता तो सच कहते हैं आपका गर्व किसी स्वर्ग की जन्नत से कम नहीं होता। ध्यान रखना, खोता कौन है पता है आपको? पता है क्या खोता कौन है? जो सोता है, जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो बोता है, जो बोता है वो पाता है, और जो पा लेता है वो रोता नहीं खिलखिलाता है। ध्यान रखना, कहते ये हैं कि मैं कुछ पाप नहीं करता, लेकिन कितने पाप होते हैं अपने, अपन इसको कुछ नहीं समझ रहे। अरे इतना ही तो कहा था पानी कर देना, और कुछ थोड़ी कहा था हमने। आश्रम का ये भी बहुत बड़ा अनुशासन है कि बाजू से बाजू में ही तो जाना है, जाने दो, जिस कमरे में गुरु हैं उस कमरे में ही शिष्य हैं। फिर भी कहता है गुरुदेव आज्ञा दीजिए, अब विश्राम सैया को ग्रहण करना चाहता हूँ। कहाँ जरूरत थी, गुरुजी तो सामने बैठे हैं, लेकिन ये गुरु का एक मान है, गुरु के प्रति शिष्य के द्वारा उनका सम्मान है, अपने कर्तव्यों की पूर्ति है। गुरु विश्वास करता है जो शिष्य मेरे कमरे में ही सोने तक के लिए मुझसे पूछता है, भला वो दूसरे कार्य बिना पूछे करेगा? लेकिन शिष्य ऐसे भी होते हैं, ध्यान रखना, ऐसे भी शिष्य होते हैं जो पूछना है सो पूछना है, नहीं पूछना सो नहीं पूछना, एक बार के पूछने पर 10 बार काम निकाल लेते हैं, फिर एक बार पूछ लेंगे फिर 10 बार काम निकाल लेंगे, जब पकड़े जाएंगे तो कह देंगे नहीं हम तो पूछ के कर रहे हैं सारा काम। गुरु ने पूछा, भाई कब पूछा? हाँ पूछा था ना माता जी आपसे एक बार। अब माता जी को क्या पता कब पूछा था, भैया ठीक है 10 दिन पहले पूछा, 10 महीने पहले पूछा, 10 साल पहले पूछा, एक बार पूछ लिया, एक बार का पूछा, आज्ञा का पालन वो शिष्य करता है और अपने आप को समाज में अपने मुंह से कहेगा कि मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे, कि जब तक साधना में संवर नहीं होगा, जब तक साधना में संवर नहीं होगा, आश्रम का द्वार बंद नहीं होगा, और जब तक आश्रम का द्वार बंद नहीं है तब तक संवर, और संवर के बिना साधना किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकती। हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके चरण प्रसाद से जिस पथ का मैंने चयन किया है वो पथ कंटकाकीर्ण है, लेकिन मुझे विश्वास है गुरु के प्रसाद से कंटका युक्त पथ भी निष्कंटक हो जाया करता है। विश्वास चाहिए, प्रतीति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, राम नाम की जाप का निकला ये परिणाम, दिल में श्रद्धा चाहिए मरा कहो या राम। श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास जीतने की आवश्यकता है। गुरु कोई निठल्ला व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु सर्वोपरि है। गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाए। मनीषी, हिंदी मनीषी कवि कबीरदास जी ने लिखा है ये। आपने स्कूल विद्यालयों में पढ़ते समय कबीर की दोहावली पढ़ी होगी, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ना हो तो कौन गोविंद से परिचय कराएगा, इसलिए गोविंदा तू गोविंद से बढ़कर है, ध्यान रखना। अब गोविंदा के पास मत पहुंचाना जिसने राम का रोल किया है, उस गोविंदा की बात नहीं कर रही मैं तो। गुरु जो गोविंदा की तरह है, गुरु गोविंद से बढ़कर है, इसलिए कहा गुरु गोविंदा है और गोविंद से बढ़कर के है। उनको नमस्कार करने का प्रमाण जैन धर्म के महामंत्र नमोकार में बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। आठों कर्मों को नष्ट करने के बाद जिन्होंने उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, उनसे पहले जिन्होंने चार कर्मों को नष्ट किया, अरहंत अवस्था को प्राप्त किया, अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से पतित पामर भ्रमित जीवों को जो मार्ग अवलोकन करा रहे हैं, ऐसे अरहंत देव को सबसे पहले नमस्कार किया गया। अगर अरहंत देव ना हो तो सिद्धों के परिचय के लिए क्या सिद्धालय जाएगा कोई, विचार करना। बस जो ज्ञानहीन निर्गुण है, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है जो अपन ने इतनी गाथाएं याद कर ली हैं। गाथाएं याद करके अपन कहते हैं मुझे इतनी गाथाएं याद हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये तो तोता जैसा काम किया अपन ने। तोता कहता ना राम राम, अपन भी गाथा पढ़ देते हैं फटाक फटाक। उन गाथाओं का सार यदि आचरण में उतार लें, आचरण में उतारने का तात्पर्य है, पढ़ते ईर्या पथे प्रचलता दिमया प्रमादा, पढ़ते ना, पढ़ना अलग है और पढ़कर के चलना अलग है। पढ़ते तो यही हैं, ईर्या पथे प्रचलता दिमया प्रमादा, लेकिन चलते हैं तब कैसे चलते हैं, टॉर्च भी जल रही है अपनी, टॉर्च की रोशनी चल पूरब में रहे हैं और रोशनी जा रही है उत्तर में या दक्षिण में। दृष्टि नीची होनी चाहिए तो चलते हैं चकमक चकमक। हाँ, चार भगवंत कहते हैं शास्त्रों को रट लेना ज्ञान नहीं है, शास्त्रों को पढ़कर और आचरण में ले आना ज्ञान कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। हम अपने उस ज्ञान को कर्म क्षय का हेतु तभी मानेंगे जब वो ज्ञान मेरा, मुझे ये महसूस नहीं होने देगा कि कब मुझे रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। याद है ना, विष्णु कुमार मुनि को रिद्धि की प्राप्ति हो गई, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि रिद्धि की प्राप्ति कब कैसे हुई। जैसे एक गृहिणी दाल चढ़ा देती है, चावल चढ़ा देती है, अब ढक्कन को बार बार खोल के देखती है दाल हो गई क्या, फिर रख देगी कच्ची दाल है, फिर ढक्कन खोलेगी फिर कच्ची दाल है, फिर रख देगी, बार बार देखने देखने से दाल नहीं सिझती, सीझने का एक समय है। अब तुम कहो कि सिगड़ी पर रखी है, भाप भी बन रही है और दाल सिझती ही नहीं है, तो किसका दोष है इसमें है? इतने अधीर मत बनो, आज ही तो दीक्षा ली है, अभी मुझे ना रिद्धियाँ हुई हैं, ना मेरा यश हुआ है, ना लोगों का कोई जान पहचान हो पाई है, और उनको माता जी को उन महाराज को देखो लोग कितने आते हैं। जैन दर्शन कहता है कि रे साधु मत पढ़ यश के इस परिग्रह में, अयश के इस परिग्रह के कारण न कुंठित हो और न कोई
तेरा यश हो रहा हो तो तू फूल करके कुप्पा हो जा, ऐसा मत कर। अगर ऐसा नहीं करेगा तो ध्यान रखना, दूसरों को समझाने वाला खुद समझ जा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा जब मैं खुद समझूंगा, जब मैं खुद ईर्ष्यापद शुद्धि से चलूंगा, तो निश्चित रूप से जो तुम्हारे साथी होंगे वो भी तुमसे बात नहीं करेंगे। और जब बिहार में कोई पूछे माता जी मौन है क्या आपका, माता जी कहती है हाँ भैया मौन है। पूरे बिहार में मौन है क्या? हाँ भाई पूरे बिहार में मौन है। अरे हमें तो महाराज ने ये बताया है कि बिहार में चर्चा करते हैं, बिहार में बोलना चाहिए। एक भैया जी ने चलते बिहार में मुझसे ये प्रश्न किया, तो मेरा तो मौन था, उनकी बातों को सुन लिया और धीरे धीरे पता लगा जो भैया 2 किलोमीटर तक साथ चले वो धीरे धीरे खिसक लिए और जो माता जी बोल रही थी उनके ग्रुप में जा कर के मिल गए। विचार करना, बिहार के समय जहाँ गुरु से आपने आज्ञा ली, अब बिहार का समय है, वहाँ से मौन ग्रहण करो और जहाँ पुनर्मिलन हो सबका वहाँ मौन खोल दो। ऐसे बिहार का मौन ईर्ष्यापद शुद्धि का कारण होता है। जब बोलेगा नहीं तो करेगा क्या? अपने समितियों को यत्नाचार पूर्वक पालन करेगा। हमें अपने नियमों के लिए खुद सावधान होना पड़ेगा। गुरु के चरणों में सिर्फ ये निवेदन करें, गुरु के चरणों में सिर्फ यही बात कहें, दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी होती है, कोई दूसरा श्रद्धा नहीं करनी। श्रद्धा कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, विश्वास जीतना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कुछ दे लेकर के विश्वास जीतेंगे। गुरु जब विश्वास का परीक्षण करता है आपको पता भी नहीं चल पाता कि आपने क्या गफलत की होगी, और गुरु को पता चलता है। इसलिए हम उन गुरुओं के चरणों में, जिन गुरुओं का इतना उपकार हम सब शिष्यों के प्रति है, उन गुरुओं के लिए सिर्फ ये भावना बहाएं, यही कहूँ चरणों में आकर, यही कहूँ चरणों में आकर हर पल तेरा साथ रहे, जब सांस रहे जीवन में तब तक श्रद्धा और विश्वास रहे, जब तक सांस रहे जीवन में श्रद्धा और विश्वास रहे।